हेलो इंजीनियर्स, दिस इज संति। तो आज आपके लिए है एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो होगा आप अपने घर पे आसानी से एक जो कि पेन ड्राइव बना सकते हैं, मतलब एक मेमोरी कार्ड आप बना सकते हैं। लेकिन ये एक फिक्स्ड मेमोरी कार्ड होगा जिसके अंदर एक ही चीज होगा, मतलब एक ही पिक्चर आप इस पे डाल सकते हैं, एक ही पिक्चर इसमें आ जाएगा। और अगर दूसरा बनाएंगे तो दूसरा पिक्चर इसमें डाल सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर अलग अलग पिक्चर डाल सकते हैं। वो किस प्रकार से डालते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आसानी से घर पे एक पेन ड्राइव बना के हम लोग इसको शो कर सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो हम लोग जो मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड पे बहुत सारे जो कि वायर रहता है, तो इसमें से आउटपुट इनपुट होता है। लेकिन हम जो मेमोरी कार्ड बनाएंगे, मतलब जो मेमोरी कार्ड हम लोग टेम्पररी बनाएंगे, इसके अंदर चार आउटपुट इनपुट है, मतलब एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, मतलब 5 वोल्ट और ग्राउंड, और मिडिल का जो होगा वो होगा इनपुट और एक होगा आउटपुट। तो इसके इसके माध्यम से हम लोग इसका कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये जो मेमोरी कार्ड हमने बना दिया है इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग पहले टेस्ट करेंगे। तो ये मेमोरी कार्ड का फ्रीक्वेंसी एक होगा और ये मेमोरी कार्ड का फ्रीक्वेंसी अलग होगा। तो अलग अलग दो फ्रीक्वेंसी का मैंने मेमोरी कार्ड बनाया। आप चाहे तो जितने चाहे उतने अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बना सकते हैं। अगर सेम फ्रीक्वेंसी होगा तो आउटपुट पे जो पिक्चर आएगा वो पिक्चर आ जाएगा। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा तो अलग अलग पिक्चर आ जाएगा। तो अलग अलग पिक्चर के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर पिक्चर को भी डालना पड़ेगा माइक्रोकंट्रोलर के अंदर। तो अभी चलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग टेस्ट करते हैं एक एक करके। तो इस पर हम लोग पॉजिटिव लगा देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव का कनेक्शन लगा दिया और इस पर हम लोग नेगेटिव लगाएंगे। तो नेगेटिव लगा दिया। अभी इनपुट और आउटपुट पे हम लोग चेक करेंगे। तो आउटपुट का हम लोग वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे। आउटपुट का जो वोल्टेज होगा उस पर ही हम लोग फ्रीक्वेंसी टेस्ट करेंगे। तो आउटपुट पे हम लोग इसको लगा देंगे। तो इसको लगा दिया। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी चल रहा है ऑसिलोस्कोप पे। और अभी हम लोग दूसरा मेमोरी कार्ड लगाएंगे, लगाने के बाद अलग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो अभी हम लोग दूसरा लगाते हैं। तो इसको हटा के दूसरा लगा देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी अलग है। तो दो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से हमने इसका जो एडजस्ट किया है, जो हमारा जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग पे हमने दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर दो पिक्चर डाल दिया है। तो प्रोग्रामिंग हम लोग वही माइक्रोकंट्रोलर पे डालेंगे, डालने के बाद ये काम करेगा। देख सकते हैं ये छोटा सा एक जो मेमोरी कार्ड है वो हमने इसको बना दिया है। तो सर्किट डायग्राम देख के आप लोग भी इसको बना सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका जो आउटपुट इसमें देगा, जो इनपुट होगा, वो इनपुट पे किस प्रकार से इनपुट होते हैं उसका एक अलग से सर्किट हम लोग बनाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग उस सर्किट को बनाते हैं। Thank you.
वहां पे आप लोग देख सकते हैं ये करीबन कंप्लीट हो गया है। तो इस पर मैंने एक डिस्प्ले लगाया है जिसके अंदर जो कि आउटपुट होगा, जो मेमोरी कार्ड इस पे डालेंगे उसी मेमोरी कार्ड से आउटपुट होगा, जो मेमोरी कार्ड हम लोग खुद बनाएंगे। और इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है, एक पुश बटन है जिसके मदद से पुश करेंगे तो आउटपुट दे देगा। तो इसको मतलब मेमोरी कार्ड को चेंज करेंगे, करने के बाद पुश करने से ये आउटपुट देगा। तो अभी चलिए इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो कि जो पेन ड्राइव हमने बनाया है उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे, और एक रीसेट बटन है जिसके मदद से हम लोग दूसरा पेन ड्राइव लगाने के बाद रीसेट बटन प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पे आएगा, ठीक है। तो अभी इस पे पावर आ गया है, तो अभी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो पेन ड्राइव है इसको हम लोग डालेंगे इसके अंदर। तो अभी इस पे डाल दिया है, तो जब भी प्रेस करेंगे तो देखिएगा इसमें आएगा। तो देखिए अभी आ गया है डिस्प्ले पे। तो ये मैंने इस तरह डिस्प्ले लगाया है, मतलब जो अभी इसमें सेट किया है वही डिस्प्ले आ रहा है। दूसरा बार प्रेस करेंगे तो फिर भी यही डिस्प्ले आएगा, देखिए सेम डिस्प्ले इस पे आ रहा है। तो जब भी इसको खोलेंगे हम लोग, तो इसको खोल दिया अभी। तो अभी दूसरा जो कि पेन ड्राइव हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे दूसरा पेन ड्राइव हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो दूसरा पेन ड्राइव इसमें लग गया है। तो अभी फिर से प्रेस करेंगे, तो देखिए प्रेस करने के बाद पिक्चर जो है वो चेंज हो गया है। अभी फिर से प्रेस करते हैं, तो देखिए फिर से ये सेम ही रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पेन ड्राइव को चेंज करके अलग अलग पिक्चर इस पर डाल सकते हैं। तो अभी इसको खोलेंगे तो देखिएगा, अभी इसको खोलते हैं। तो अभी ये खुल गया है, तो अभी इसको प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा। तो अभी देखिए ये ब्लैंक हो गया है। इस प्रकार से हम लोग कोई भी पेन ड्राइव से कोई भी पिक्चर इस पर डाल के हम लोग इसका काम कर सकते हैं। एक्चुअली में इसका जो एक्चुअल का जो प्रोग्रामिंग है वो 80 मेगा में है, और इसका सिर्फ फ्रीक्वेंसी इसमें एडजस्ट हुआ है, ठीक है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक जो कि पेन ड्राइव बना सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड बना सकते हैं, और आउटपुट पे डिस्प्ले पे वो पेन ड्राइव से आउटपुट कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।